ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के इमरजेंसी वार्ड में शनिवार करीब 5 बजे के आसपास भयानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग इमरजेंसी वार्ड में पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर लगी है। मौके पर दमकल विभाग भी पहुंच गया है। आपको बता दें कि 34 दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। सभी मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर हैं उन्हें भी हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि काफ़ी धुआं होने की वजह से लोगों में सांस लेने की तकलीफें हो रही थी, जिसके बाद ग्राउंड फ्लोर भी खाली करा दिया गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हम आपको इस भयानक आग की तस्वीरें दिखाते हैं। देखा आपने कितनी भयानक आग है और आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। दमकल विभाग की 34 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में लगी हुई हैं और जानकारी भी मिल रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।